तत्वार्थ रामायण में श्री रामचंद्र जी का उद्धार है। श्री राम गुणार्व हैं, सब सद्गुणों के समुद्र के समान हैं। श्री राम का एक एक गुण दिव्य है, अनन्य है। श्री राम एक अनुपम गुण है, उदारता। श्री राम अति उदार है, राम जी के समान कोई उदार नहीं हुआ, होगा भी नहीं। जगत में जीव तो क्या, स्वर्ग के देवता भी किसी को देते हैं तो अपने लिए कुछ रख कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी जब देते हैं तो ऐसी चिंता करते नहीं कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम रावण को अयोध्या का राज्य देने को तैयार हो गए थे। लंका में रावण ने विभीषण का बहुत अपमान किया। इस कारण विभीषण ने जब लंका का त्याग किया तब एक क्षण के लिए उनके मन में ऐसा संकल्प हुआ कि आज तो भले ही मेरा अपमान हुआ, लंका छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है, परंतु मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राम जी रावण को मारने के बाद मुझे ही लंका की गद्दी पर बिठाएंगे। श्री राम अति उदार हैं, इसलिए मैं लंका में वापस जाऊंगा तो राजा बन करके जाऊंगा। विभीषण जी राम जी की शरण में गए। श्री राम तो अंतर्यामी हैं, विभीषण के अंतर की इच्छा जान गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि समुद्र का जल मंगाओ। वहां उन्होंने समुद्र के किनारे ही विभीषण को लंका का राज्य अभिषेक कर दिया। सुग्रीव को यह सब सहन नहीं हुआ। सुग्रीव ने पीछे राम जी को उलाहना दिया कि महाराज आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है, जल्दबाजी काम बिगाड़ती है। मैं आपका सेवक हूं परंतु मैं सेनापति भी हूं। युद्ध के समय राजा स्वतंत्र नहीं होता है, युद्ध के समय राजा सेनापति के अधीन रहे, ऐसा राजनीति कहती है। मैं जो कहूं वही किया जाना चाहिए। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो आपको समुद्र के ऊपर सेतु बंधन करना है, लंका में रावण के संग युद्ध करना है। रावण कोई साधारण लड़ाकू नहीं है, महान वीर है। इतनी बड़ी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? आज ही तो विभीषण शरण में आया और आज ही आपने उसे लंका के राज्य का अभिषेक कर दिया, ये योग्य नहीं। प्रभु ने मंद हास्य किया और सुग्रीव से कहा, भाई अब तो जो हो गया सो हो गया। भले ही मैं जल्दबाज हूं परंतु विभीषण को लंका का राज्य दे दिया सो दे दिया, अब उसमें फेरफार संभव नहीं है। तो सुग्रीव ने कहा, महाराज आपसे बड़ी भूल हुई है। आज तो विभीषण शरण में आया है और आपने उसे लंका का राज्य दे दिया। संभव है कदाचित 2-4 दिन पीछे रावण की बुद्धि सुधरे और वह आपकी शरण में आए और सीता जी का समर्पण करे, तो क्या करोगी? लंका का राज्य तो आप विभीषण को दे चुके हैं। अब कल रावण शरण में आए तो कल आप रावण को क्या दोगे? आपके पास क्या है? क्या विभीषण को बाद में गद्दी से उतारोगे? तो राम जी ने सुग्रीव से कहा, भाई मैं बोलता हूं तब बहुत विचार करके बोलता हूं। राम एक वचनी है, एक ही वचन बोलते हैं तो विचार करके बोलते हैं। अभी अयोध्या की गद्दी खाली पड़ी है, पिताजी ने यह गद्दी भरत को दी हुई है, परंतु मेरा भाई भरत उस गद्दी पर बैठा नहीं है, उसने मेरी पादुका उस पर स्थापित कर रखी है। भरत मेरे कहे में है, मैं उसको समझाऊंगा, मुझको राक्षसों के साथ कोई युद्ध नहीं करना। मेरी ऐसी इच्छा नहीं कि मैं राक्षसों का संहार करूं।
रावण शरण में आई तो मैं रावण को अयोध्या की गद्दी पर बैठा करके अपने हाथ से उसका तिलक करूंगा और उसका राज्य अभिषेक करूंगा और मैं संपूर्ण जीवन वन में व्यतीत करूंगा। जो आवशे रावण शरणागत करी हेत तो मारी अयोध्या आपीश एने वैभव राज समेत हूं करीश तप वन मा जाई राज करसे रावण राये। शन विभीषण ने जे लंका आपी ते मिथ्या नव थाप। श्री राम तो रावण को अयोध्या का राज्य देने को तैयार हो गए। प्रभु जिसको देते हैं तो जीवनी और योग्यता का भी बहुत विचार करते नहीं है। अति उदार होने से भगवान राम जी बहुत देते हैं। राम जी जैसी उदारता जगत में कहीं भी नहीं है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाही मन मेरे तो भजू राम काज सब पूरन करी कृपा निधि तेरे। तत्वार्थ रामायण में श्री रामचंद्र जी का संयम। श्री रामचंद्र जी के तीन व्रत हैं। राम जी एक वचनी हैं, एक वाणी हैं, एक पत्नी व्रतधारी हैं। राम जी ने जिस तरह एक वचनीय व्रत का संपूर्ण पालन किया उसी प्रकार एक पत्नी व्रत का भी संपूर्ण पालन किया। शास्त्र में एक पत्नी व्रत की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। जिस स्त्री के साथ अथवा जिस पुरुष के साथ देव ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी में रख करके विवाह हुआ हो उस एक स्त्री में अथवा एक पुरुष में काम भाव रख करके धर्म की मर्यादा में रह करके जो काम सुख भोगता है जिसका मन एक जगह स्थिर है एक में ही जो काम केंद्रित करता है तथा अन्य सब स्त्री पुरुषों को निष्काम भाव से सीता राम जी की भावना से जगत भाव से देखता है वह ग्रस्त होता हुआ भी साधु है। वह काम सुख भोगने पर भी ब्रह्मचारी है। बिगड़े हैं मन को एक खूटे से बांधने के लिए विवाह होता है। विवाह काम का विनाश करने के लिए है। काम ईश्वर की तरह सर्वव्यापक होने की इच्छा रखता है। सुंदरता दिखाई दी कि काम उत्पन्न हुआ। इस काम भाव को एक जगह संचित करके काम को भोग करके उसका विनाश करना यह विवाह का प्रयोजन है। विवाह में भोग मुख्य नहीं है अपितु त्याग मुख्य है। इसी से तो विवाह को धार्मिक संस्कार का और पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। भोग पत्नी नहीं का काम का विकास नहीं अपितु विनाश। ये दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र तुम जानते होगे। चरित्र में लिखा है कि तुलसीदास जी महाराज पत्नी में बहुत आसक्त थे। तुलसीदास जी महाराज पत्नी से भले ही आसक्त होंगे परंतु महाराज का जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ उस एक ही स्त्री से उसकी आसक्ति थी। जगत की अन्य स्त्रियों को वे मातृभाव से देखते थे। उनका मन पवित्र था। केवल पत्नी में आसक्ति बहुत थी। पत्नी को पीहर भी नहीं जाने देते थे। एक दिन पत्नी को मां के यहां से बुलावा आया। मां बहुत याद करती थी। महाराज घर में नहीं थे। संदेश देकर के महाराज की पत्नी पीहर चली गई। महाराज घर आए तो खबर मिली कि पत्नी पीहर गई है। महाराज से पत्नी का वियोग सहन नहीं हुआ। ने पत्नी से मिलने के लिए मध्य रात्रि में ससुराल जा पहुंचे। चौमासे का समय था। वर्षा ऋतु की भयंकर रात्रि थी। नदी में बाढ़ आ रही थी। शव को लकड़ी समझ करके उसे पकड़ करके नदी पार की।
ससुर के मकान के पास आए, मकान में प्रवेश करने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़े, लटकते सर को डोरी समझ कर वह बैठे, उसके आधार से मकान में प्रवेश किया। वेदांत में रज्जु सर्प का दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है। अंधकार में, अज्ञान में मनुष्य डोरी को सर्प समझ बैठता है, मिथ्या को सत्य समझ लेता है। यहां तो अतिशय आसक्ति में तुलसीदास जी को सर्प में डोरी दिखी। तुलसीदास जी बहुत कष्ट सहन करके, संकट पार करके पत्नी के पास पहुंचे। उसे आश्चर्य हुआ, उसने चेतावनी दी, हाड़ मास की दे ममता में जितनी प्रीति, तिसु आदि सो राम प्रीति आवसी मिट्टी भवीति। हाड़ मास की दे मम तामे जितनी प्रीति, तिसु आदि जो राम प्राप्ति अवसी मिट्टी भवीति। इस शरीर में क्या सुंदर है, शरीर तो हाड़ मास का लोथड़ा है। इस शरीर से मिलने के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, इतनी आसक्ति मुझ में रखते हो, उससे आधी राम जी में रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। यहां थोड़ा उपदेश किया कि तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ, जितनी आसक्ति पत्नी में थी उतनी प्रभु में हो गई, जो अनेक में आसक्त है वह किसी दिन भी भक्ति नहीं कर सकता। मन को एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में रखने के लिए विवाह है। सुंदर वस्तु देखते ही मन बिना कारण कूदने लगता है। मन को ऐसी कुटेव पड़ी है कि सुंदर वस्तु देखते ही ये उसके पीछे दौड़ता है, उसका चिंतन करता है। अनेक बार मन ऐसे समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूं ये मुझे मिल नहीं सके। फिर ऐसा विश्वास होने पर भी मन उसी का चिंतन करता है, पाप करता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण किसी स्त्री को तके नहीं और स्त्री पुरुष को देखे नहीं। आंख से भले ही कोई देख पड़े, परंतु मन से किसी को नहीं देखना। स्त्री पर पुरुष का चिंतन करे, पुरुष पर स्त्री का स्मरण करे, ये व्यभिचार जैसा ही पाप है। उसकी बहुत सजा मिलती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर से पाप करे तो ही सजा मिलती है, मन से पाप करे तो उसकी सजा मिलती नहीं। कारण कि मन का पाप कोई देख सकता नहीं, ये समझ खोटी है। मन से किए गए पाप की भी सजा होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है, ये तो शरीर की भी को भी जानता है और मन की भी जानता है। मन से किए पाप को खबर जगत को भले ही नहीं मिले, परंतु ईश्वर को अवश्य मिल जाती है। तन के और मन के पापों को देखने वाला और उसकी सजा देने वाला ईश्वर बैठे। श्री राम सदाचार की मूर्ति हैं, संयम की मूर्ति हैं। संयम कैसा होना चाहिए ये तो राम जी ने जगत को बताया। आंख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, सर्व इंद्रियों का संयम राम जी ने पालन करके बताया है। मनुष्य को संपत्ति थोड़ा दुख देती है, परंतु इंद्रियों का संयम बहुत सुख देता है। खूब ध्यान में रखो कि तुम मालिक हो और इंद्रियां नौकर हैं। तुम नौकरों के अधीन हो या नौकर तुम्हारे अधीन है। तुम जहां जाते हो वहां नौकर जाता है, अर्थात नौकर जहां जाता है वहां तुम जाते हो। मनुष्य बोलता है मेरी आंख, मेरी जीव, मेरा मन, इसका अर्थ ये होता है कि मैं मालिक हूं। आंख, जीव, मन ये मेरे सेवक हैं, इंद्रियां नौकर हैं। तुम इंद्रियों के अधीन रहोगे तो इंद्रियां तुम्हारी शत्रु सिद्ध होंगी, परंतु इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहेंगी तुम्हें मित्र बनी रहेंगी। राम जी कभी किसी स्त्री को आंख ऊंची कर देखते नहीं। रामचंद्र जी का
आंख का संयम अलौकिक है। आंख में बहुत शक्ति होती है, आंख की शक्ति को मनुष्य नष्ट कर देता है। शक्ति का दुरुपयोग ही पाप है, शक्ति का सदुपयोग ही पुण्य है। मानव की इंद्रियों में प्रभु ने बहुत शक्ति दी, परंतु मनुष्य बहुलता से उसका दुरुपयोग करता है। सनातन धर्म ने मर्यादा बांधी है कि पुरुष पर स्त्री को और स्त्री पर पुरुष को आंख उठाकर देखे नहीं। खूब ध्यान में रखना कि जिसे तुम आंख से देखते हो उसका चित्र तुम्हारे मन में बस जाता है। कदाचित तुम कहो कि महाराज तुम कहते हो कि आंख से देखने से उसका चित्र मन में बस जाता है, तो क्या हम आंख बंद करके चले, आंखें बंद रखें? आंखें बंद रखोगे तो विवाद चलेगा नहीं। परंतु दृष्टि दृष्टि में भेद है। दृष्टि दो प्रकार की है, अपेक्षात्मक और उपेक्षात्मक। तुम्हारे घर से यहां आने में रास्ते में पड़ा हुआ कचरा दिखाई दिया होगा, उस कचरे के ऊपर तुम्हारी नजर भी गई होगी, परंतु कचरे को तुम उपेक्षा भाव से देखते हो। इस जगत को महापुरुष उपेक्षा भाव से देखते हैं। संत जन अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में रखते हैं। किसी स्त्री अथवा पुरुष को तुम अपेक्षा भाव से देखोगे कि यह बहुत सुंदर है, इससे सुख मिलेगा, तो इससे तुम्हारा मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री सुंदर नहीं, कोई पुरुष सुंदर नहीं, सुंदर तो श्री राम है। जगत कदाचित सुंदर हो सके, परंतु जगत का सौंदर्य बहुत टिकता नहीं। ये फूल हमको सुंदर दिखता है, दो चार घंटे पीछे ही कुमला जाएगा। कुमलाने के पीछे क्या फूल सुंदर लगता है? फूल जैसे कुमलाता है उसी तरह समस्त जगत कुमलाता है। जगत में केवल एक श्री राम ही नहीं कुमलाते। राम जी को कहा गया है कि आने वाले काल में तुम्हारा राज्य अभिषेक होना है। ये सुनकर के राम जी प्रसन्न हुए नहीं और राज्य अभिषेक के मुहूर्त में वन में गए तो तनिक भी नाराज हुए नहीं। तुमको कोई कहे कि कल तुमको 1,00,000 रुपया मिलना है, तो क्या तुम्हें रात्रि में निद्रा आवेगी? तुमको कोई भोजन के लिए निमंत्रण दे कि आने वाले काल हमारे यहाँ भोजन करने पधारना, बाना 1 बजे भूख लगे और तुम जिमने जाओ, उस समय निमंत्रण देने वाला हाथ जोड़ करके कहे यहाँ तो सब पूरा हो गया, जय श्री कृष्ण, अब तो घर पधारो, तुम्हारी क्या दशा होगी? फोटो लेने लायक चेहरा हो जाएगा, मन में विचार आवेगा कि मुझे भोजन का निमंत्रण दिया था, अब मेरा अपमान किया है। छोटी छोटी बातों में तुम्हारे मुख की कांति बिगड़ उठती है अथवा कुमला जाती है। राम जी से कहा गया कि कल तुमको पृथ्वी का राजा बनना है। वैसा सुनकर के राम जी की मुख श्री की वृद्धि नहीं हुई और राज्य अभिषेक के मुहूर्त में जब वनवास मिला तब उनकी मुख श्री कुमलाई नहीं। श्री राम सुंदर हैं, श्री राम जी का सौंदर्य सदा स्थायी रहने वाला है। जगत सुंदर नहीं, कदाचित ये सुंदर दिखे तो इसकी सुंदरता स्थिर रहने वाली नहीं। राम जी किसी पर दृष्टि डालते नहीं, कदाचित किसी स्त्री पर नजर जाए तो राम जी मात्र भाव रखते हैं कि ये हमारी माँ है। प्रत्येक स्त्री जो मात्र भाव से देखता है वह राम जी को सुहाता है। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखने वाले ईश्वर को तनिक भी सुहाता नहीं। तुम्हारी आंख में काम है या राम है? तुम जगत को काम भाव से देखते हो या राम जी की भावना से देखते हो? परमात्मा ने आंख तो सबको समान रूप से ही दी है। धन देने में कदाचित विषमता की हो, परंतु गरीब श्रीमंत सबको प्रभु ने आंख तो एक समान दी है। भक्ति में आंख मुख्य है। पाप का आरंभ आंख से ही होता है और भक्ति का आरंभ आंख से ही होता है।
परमात्मा सुंदर है, ऐसी जिसको विश्वास हो गया है वह भक्ति करता है, और संसार सुंदर है ऐसा जो समझता है वह पाप करता है। जगत खराब नहीं परंतु वह बहुत सुंदर भी नहीं। श्री रामचंद्र जी किसी पर भी दृष्टि नहीं डालते, बिना कारण किसी को तकते नहीं। राम जी प्रत्येक स्त्री में मात्र भाव रखते। राम जी इतने अधिक शुद्ध है कि जो राम जी का स्मरण करता है वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण अनेक है, उन्हें महापुरुषों ने अनेक रीति से राम जी का वर्णन किया है। श्री एकनाथ महाराज की भावार्थ रामायण बहुत मोटी है। अनेक रामायण शोधन करके एकनाथ महाराज ने कथा की है, बल्कि रामायण मोटे आकार की है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और एकनाथ महाराज की रामायण में 45,000 श्लोक हैं। बहुत मोटी रामायण हो गई है महाराज की। रामायण बहुत विस्तृत है। किष्कंधा कांड में महाराज को याद आया है कि इतनी रामायण मैंने श्री हनुमान जी को सुनाई है, अब उनके पीछे श्री राम जी की प्रेरणा से ये कथा करता हूँ। युद्ध कांड की कथा में श्री एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है। लंका का युद्ध चालू था, रावण के बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे जा चुके थे, कुंभकर्ण सोया हुआ था। तब युद्ध करने के लिए रावण ने उनको जगाया, कुंभकर्ण को खूब मद्रा पिलाई, खूब मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया, उसने रावण से पूछा मुझे क्यों जगाया है। रावण ने कहा राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुमको जगाया। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि राम जी के साथ क्यों युद्ध हो रहा है। तो रावण ने बहुत बात की, कहा सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया लंका में अनेकानेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, फिर भी सीता जी की चोरी करने क्यों गया, तुमने चोरी की, ये बहुत खोटा किया, ये तेरी भूल है, तू सीता को किस लिए लाया। रावण ने कहा लंका में बहुत सी देव गंधर्व कन्याएं तो हैं परंतु तो सीता जी जैसी एक भी नहीं। सीता जी अति सुंदर हैं, इनकी तुलना में कोई आ सके ऐसा नहीं है, इस कारण से मैं सीता जी को ले आया। कुंभकर्ण ने पूछा तो सीता जी को ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं। तो रावण ने कहा मेरी इच्छा पूरी होती नहीं, सीता जी महान पतिव्रता है, मैं आंख ऊंची करके किसी को सामने देखती भी नहीं। जब कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दी कि तू नकली राम बन करके सीता जी के पास जा, तो रावण ने कहा ऐसा मैंने करके देखा है, परंतु कुंभकर्ण मैं तुमसे क्या कहूं। कुंभकर्ण जब जब मैं नकली राम बनता हूं तब मेरे मन में काम रहता ही नहीं, खोटा खोटो हूं ज्या राम बनो त्या मने राम रोदाम आम आवे, काग सीता जी मावड़ी भासे मारू रावण पनो रिसावे, मनो एव संकल्प आवे। रावण राक्षस है, मायावी है, उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना हो उसका चिंतन करे उससे उसका रूप मिल सकता है। राम जी का रूप धारण करने के लिए जब ये राम जी का चिंतन करता है और नकली राम बनता है तब तब प्रत्येक स्त्री में उसका मात्र भाव हो जाता है। पर स्त्री में अतिशय काम भाव रखने वाले राक्षस के मन में तनिक भी काम रहता नहीं है। रावण ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं राम जी का चिंतन करता हूँ, राम जी का अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ, तब तब मंदोदरी भी मेरे मात्र भाव हो जाता है। नकली राम में ऐसी शक्ति है तो श्री राम में कैसी होगी। राम जी का चित्त अति शुद्ध है,
राम जी संपूर्ण रूप में एक पत्नी व्रतधारी हैं। दशरथ महाराज से थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराज ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। श्री राम जी को ये अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने यह रीति सुधारी। राम राज्य में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। जगत को अन्य प्रत्येक स्त्री में मात्र भाव रखना था। राम जी को बहुपत्नी प्रथा योग्य लगी नहीं, परंतु मेरे पिताजी ने भूल की है, ऐसा राम जी कभी बोले नहीं। पिताजी की भूल राम जी ने बहुत विवेक से युक्ति से सुधारी। मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, मेरी प्रजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करे। बड़ा कोई कोई भूल हो तो वैसी भूल का पुत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं। बड़ों के दोष का अनुकरण करना नहीं। पिताजी प्याज खाते हो इसलिए पुत्र भी खाए, ये बात उचित नहीं। पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करें तो उसका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्य को करना चाहिए। गुरुजी तंबाकू खाते हो इसलिए चेला जी कहें कि हम भी तंबाकू खाएंगे क्योंकि गुरुजी खाते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं। गुरुजी खाते हो तो भले ही खाएं, गुरुजी बड़े हैं। चार वर्ष तक गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचारी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जाने को तैयार हुए है। अब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उसने गुरु जी की वंदना करके उनकी आज्ञा लेते हुए कहा, आप मुझे अंतिम उपदेश दो। तब गुरु जी ने कहा, बेटा अब तुझे घर जाकर के विवाह करना है, मुझे आनंद है, परंतु तुझे उपदेश है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा है। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों का माता पिता के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। कान में मंत्र देने वाला कोई मिले उसके कारण नियत बिगड़ने लगती है। गुरु जी शिक्षा देते हैं, मात्र देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। बेटा तेरे गुरु जी का क्रम तीसरा है। चार वर्ष तुम मेरे आश्रम में रहे, मेरी कितनी भी भूलें तूने देखी होंगी। जी मात्र भूल करता है, निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो उस भूल को तू नहीं करना। मेरे जो पवित्र आचरण हैं उनका ही तुझे अनुकरण करना है। मैंने किसी समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो, उसका अनुकरण तू करना नहीं। राम जी ने पिताजी की भूल का अनुकरण किया नहीं। राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। राम राज्य में प्रजा भी एक पत्नी व्रतधारी है।